निधन के बाद कंगना रनौत ने नेपोटिज्म को लेकर हल्ला बोल दिया है। जी हाँ, साथ ही उन्होंने कई बड़े लोगों के नाम लिए हैं, जिसकी वजह से अब कंगना एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। जहाँ कंगना ने सुशांत की मौत के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, वहीं उन्होंने नेपोटिज्म को लेकर भी बड़े बड़े लोगों के पोल खोल दिए हैं। वहीं इस मामले में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के बयान पर एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। दरअसल अनिल देशमुख ने सुशांत मामले में रविवार को कहा था कि करण जौहर के मैनेजर से पूछताछ की जाएगी और अगर ज़रूरत पड़ी तो करण जौहर को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। अनिल देशमुख के इस बयान के बाद कंगना रनौत भड़क गई, साथ ही इसी कारण उन्होंने आदित्य ठाकरे पर भी निशाना साधा। जी हाँ, कंगना की टीम ने ट्विटर पर लिखा कि करण जौहर के मैनेजर को समन भेजा गया है, लेकिन आदित्य ठाकरे के बेस्ट फ्रेंड करण जौहर को नहीं। मुंबई पुलिस सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर की जांच को मजाक मत बना। इसके अलावा कंगना रनौत की टीम ने एक और ट्वीट लिखा कि मुंबई पुलिस समन जारी करने में कैसे दिखावा कर सकती है, कंगना को समन जारी किया ना कि उनके मैनेजर को, लेकिन मुख्यमंत्री के बेटे के दोस्त के मैनेजर को पूछताछ के लिए बुलाया गया क्यों, साहेब को परेशानी ना हो इसलिए। जाहिर है कि कंगना रनौत सुसाइड मामले में लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं देती हुई नजर आ रही हैं और इसी कारण वो इस मामले पर अपनी नज़र भी बनाए हुए हैं। बता दें कि कंगना रनौत वही है जिन्होंने खुलकर नेपोटिज्म पर बोला है और बॉलीवुड की सच्चाई का पर्दाफाश किया है। देखते हैं आगे और क्या ट्वीट करती हैं कंगना रनौत और किसके किसके बोल खोलती हैं कंगना रनौत। बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट नाइन भोजपुरी से सुरभि की रिपोर्ट। नेक्स्ट टू नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करी और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।